आदमी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर जनता में अपनी पैठ बनाने में लगी है। अपनी इसी रणनीति के तहत आज आम आदमी पार्टी के खटीमा कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में जाकर अधिकारियों को खटीमा क्षेत्र की टूटी सड़कों के लिए ज्ञापन दिया। क्षेत्र की टूटी सड़कों को जल्द से जल्द निर्माण की मांग की है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता केसी भट्ट को ज्ञापन देकर कंजाबाग रोड से क्षेत्र के विभिन्न टूटी सड़कों के निर्माण की मांग की। आपको बता दें कि खटीमा से छिंकी मार्ग जो लगभग 7.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, नानकमत्ता और खटीमा दोनों विधानसभाओं के अंतर्गत आता है। इस सड़क पर 2 दर्जन से ज्यादा गाँव स्थित है, जिसकी लगभग 50,000 के लगभग की जनसंख्या रोज इस टूटी सड़क से गुजरती है। सड़कों पर गड्ढों के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई की मौत व दर्जनों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द इस सड़क को बनवाने की मांग की है। वहीं लोक निर्माण खटीमा के सहायक अभियंता इंजीनियर केसी भट्ट ने मीडिया को बताया कि खटीमा छिंकी मोटर मार्ग जो लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा है, कंजाबाग से 3 किलोमीटर तक नानकमत्ता विधानसभा, उसके आगे लगभग 4.5 किलोमीटर खटीमा विधानसभा में आता है। इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और DPR बनाकर भेजी जा चुकी है। पैसा आते ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर PWD में भट्ट जी उनको ज्ञापन दिया है। अभी जिस तरह से कंजाबाग रोड में कई सालों से हमारी क्षतिग्रस्त पड़ी है, वहाँ से हमारी माताएं बहनें डेली गुजरती हैं, वो डेली एक्सीडेंट होता है, लोग बच्चे निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग निकलते हैं, सब गिरते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। मुझे तो अब ये लगता है कि गड्ढे ही बने हैं सारे। तो अगर हमारे ये मांग, अगर हमें 3 दिन का समय दिया है, अगर 3 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, रोड सुधार नहीं होता है, तो हम उत्तराखंड एकता मंच वाले हम जो है यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठेंगे। और इसमें अगर किसी के साथ भी क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी इन्हीं शासन प्रशासन की होगी। खटीमा छिंकी झरकर नाम से रोड है, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। इसमें जो है किलोमीटर 1 से 3 तक प्रथम चरण की और किलोमीटर 4 से 7.65 तक प्रथम चरण की 2 सुविधाएँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिनके अगेंस्ट DPR गठन की कार्रवाई की जा रही है, जो अगले 1.5 महीने तक इसमें सुविधा करने हेतु शासन को प्रेषित कर दी जाएगी।